दिवसों में कवि सम्मेलन आयोजन, भारतीय जनता पार्टी के कई अध्यक्ष मौजूद। आगरा में राज्य परिवहन प्राधिकरण का बड़ा फैसला, बसों के किराए में की गई बढ़ोतरी। संभल में प्रबंधक पर लगा आरोप, प्रबंधक ने जांच से मारने की दी झमकी। कानपुर में पोस्टरों से सीएम और पीएम गायब, राज्यमंत्री ने डीएम पर लगाए आरोप। सोनभद्र में पुलिस को मिली सफलता, दो बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। कानपुर में पीएम और सीएम की फोटो के बिना इन्वेस्टर समिट और कानपुर देहात महोत्सव का कार्यक्रम शुरू होने से पहले बवाल हो गया है। आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम और कानपुर देहात महोत्सव के सैकड़ों पोस्टर से पीएम और सीएम की फोटो गायब है। पीएम और सीएम की फोटो न होने से यूपी के राज्य मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। राज्य मंत्री ने डीएम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मामले की घोर निंदा की है। राज्य मंत्री ने डीएम पर आरोप लगाया कि पीएम और सीएम की छवि धूमिल करने के लिए ये कोशिश की गई है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में व्यापारी आए, अपने उद्योग को लगाएं और कानपुर देहात भी उसमें नंबर वन पर आए, लेकिन जो जिसका सपना है उसी की फोटो नहीं है। हम तो समझते हैं हर होर्डिंग हर जगह उनको उपस्थित होना चाहिए, उनकी फ़ोटो के माध्यम से उपस्थित होते लोग भी जानते कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारा भारत और आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भरता की तरफ जाए, उत्तर प्रदेश हमारा आत्मनिर्भर बने, लेकिन हम समझते हैं कि कहीं फोटोग्राफ्स ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि डीएम को शायद ध्यान ही नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी भी कुछ महत्वपूर्ण स्थान। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र जुड़ेंगे। उपेंद्र, महोत्सव शुरू होने से पहले पोस्टर में सीएम और पीएम की फोटो गायब है, जिसको लेकर राज्य मंत्री ने डीएम से नाराजगी जाहिर की है। समिति जो महोत्सव चालू हो रहा है उसमें देखा जाए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो फोटो है वो फोटो मिलेगी, उसको लेकर देखा जाए कहीं ना कहीं काफी नाराजगी नजर आ रही है। उसमें देखा जाए तो जो राज्य मंत्री जो पदभस हुआ है उन्होंने जो मीडिया सामने स्टेटमेंट दिया है कि जो डीएम साहब की कार शैली है उसको लेकर बड़ी घोर निंदा की है, और उसको देखा जाए कहीं ना कहीं तो जो मुख्यमंत्री की जो डीएम पर लगाया आरोप कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल कर रहे हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री महत्वाकांक्षी योजना और मंसूबों को जो पानी फेरा जा रहा है उसको लेकर राज्य मंत्री जो है प्रतिभा शुक्ला उन्होंने कई कई आरोप लगाए कानपुर देहात जिला प्रशासन। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र। राज्य परिवहन प्राधिकरण के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि रोडवेज बस में अब सफर करना महंगा हो गया है। बस के किराए में 24% तक वृद्धि की गई है। वहीं यात्रियों का कहना है कि इतनी महंगाई में किराया कम होने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। बढ़े हुए किराए से यात्री नाराज नजर आ रहे हैं। मैं एयरगढ़ में प्रचारक हूँ, तो हम दिल्ली जा रहे हैं गाड़ी लेके। गाड़ी लेके क्या कहना है, सवारियों का किराया बढ़ाया गया है, क्या कहना है? किराया बढ़ाया तो आज पहला दिन है किराया बढ़ने का, तो समस्या तो बहुत सारी आएंगी यहाँ से आगरा से दिल्ली जाने तक। तो सवारी जो आएंगी वो पहले किराए की उसमें आएंगी कि पहला किराया वो तो नहीं होगा, लेकिन किराया तो बढ़ चुका है। तो यहाँ से कम 290 रुपये दिल्ली का हो गया, पहले 259 रुपये था, पहले 259 रुपये बढ़ा दिया, अब बढ़ा दिया है। तो सवारियाँ आ रही हैं तो सवारियाँ बोल रही होंगी भैया किराया बढ़ा दिया है, क्या हुआ है? तो सवारी आ रही है वो किराया। सोनभद्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने दो शातिर नक्सली को धर दबोचा है।
पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है जबकि दूसरा दबोचा गया है। मौके पर पुलिस के उच्च अधिकारियों के पहुंचने का क्रम लगातार जारी है। ये घटना लगभग 2 बजे की रात की बताई जा रही है। संभल में कक्षा 12वीं की छात्रा ने इंटर कॉलेज के प्रबंधन पर अपने भविष्य खराब करने का आरोप लगाया है। छात्रा ने आरोप लगाया कि स्कूल के प्रबंधक ने प्रैक्टिकल नहीं देने दिया है। इसके साथ ही छात्रा ने बताया कि मेरे एडमिशन के लिए प्रबंधक ने फीस की मांग की है। इसी को लेकर छात्रा ने SDM को शिकायती पत्र सौंपा है। शाहपुर से पढ़ा। कौन से कॉलेज का मामला, क्या मामला है? CMH इंटर कॉलेज दबोई खुर्द। मैं 29 तारीख को मैं प्रैक्टिकल देने गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची, अपने सर के घर पे पहुँची स्टोर पे, तो उन्होंने यूँ कह दिया कि गुड़िया तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं है और तुम ना बोर्ड एग्ज़ाम में बैठ सकती हो और ना ही तुम ये प्रैक्टिकल दे सकती हो। मैंने पूछा भी तो उन्होंने मुझे अलग में बुला के ये कहा कि तुम पहले 25,000 रुपये दो, उसके बाद फिर कुछ करते हैं हम। और सब के सब बच्चों के सामने, मेरे साथ 3-4 बच्चे थे, उनके सामने ये कहा कि 4,000 रुपये दो पहले, फिर हम कुछ करेंगे। क्या में तक पढ़ रही थी, क्या में तक कॉलेज है वो? इंटर तक है। अच्छा, ये जो कुलसुम छात्र हैं, कौन सी क्लास की छात्राएं हैं? ये इस बार ये इंटर की एग्जाम दी थी। अच्छा, यहाँ पे रेगुलर पढ़ती हैं? हाई स्कूल भी यहीं से किया इन्होंने? अच्छा, तो इनका जो एग्ज़ाम, अब कोई प्रैक्टिकल वगैरह था उसमें इनका बिठाला नहीं गया, उसका क्या सिस्टम है? जी, इनका सिस्टम ये था साहब, बल्कि इन्होंने मैं जब तक मैं पढ़ाया तो इन्होंने फर्स्ट के एग्ज़ाम देने की तैयारी चली थी, 2 एग्ज़ाम दे भी दिए थे जी, बाद में बच्चों ने मार्कशीट के। रायबरेली में राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपनी बसों का किराया बढ़ाने का फैसला किया है। रोडवेज ने 2 वर्षों के बाद प्रति किलोमीटर यात्री किराए में 25 पैसे की वृद्धि कर दी है। इसके साथ ही ऑटो और टेम्पो के किराए में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि परिवहन आयुक्त राज्य परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर नई अधिसूचना जारी की गई है। प्रभाव तो अभी तो कुछ नहीं, अभी यात्रियों को तो कुछ पता ही नहीं चला, कल से पता चलेगा तो देखो क्या रिएक्शन करते हैं। लेकिन किराया बढ़ने से तो हम लोगों के लिए तो अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि 55% मांग रहे हैं लोड फैक्टर हमारे यहाँ जमा करने के लिए। अगर कम आता है तो अधिकारी लोग लिखित में दो, ये करो वो करो, दुनिया का बवाल करना पड़ता है, तो हम लोगों के लिए तो अच्छा ही है कि किराया बढ़ रहा है, तो हम लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। बाकी जब किराया बढ़ जाएगा तो सुबह यात्रियों से झंझट भी होगा? हाँ, वो तो होगा ही, 2-4 दिन तो होगा ही, झंझट तो होते ही है 2-4 दिन। तो सरकार को भी बढ़ाना चाहिए था? हाँ, बढ़ाना तो चाहिए काफ़ी टाइम। पर्चे दे दीजिए। सौरभ गुप्ता। किराया बढ़ रहा है, आप अभी सवारी जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं किराया बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा आप लोगों पर, सवारियों पर? किराया बढ़ने से तो हम लोग के ऊपर बस यही फर्क पड़ रहा है कि ज़्यादातर रोडवेज की बसें फिर नहीं चढ़ पा रहे हैं, इससे फिर ट्रेन का सहारा लेना पड़ रहा है हम लोग को। ट्रेन जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है सस्ता पड़ता है हम लोग को, तो फिर रोडवेज से जाना जो है संभव नहीं होगा हम लोग के लिए। रोडवेज में कुछ फ़र्क पड़ेगा अगर इसके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन पड़ेगा तो यही फ़र्क, क्योंकि जब पैसेंजर जाएंगे नहीं तो ऑलमोस्ट जो है फर्क तो पड़ेगा ही जो है। सरकार को बढ़ाना चाहिए था ऐसे। औरैया में देवगली महोत्सव में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और पहुंचे थे। महोत्सव में पहुंचकर दीप प्रज्वलित मां सरस्वती जी के चित्र पर फूल अर्पित किए। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए मुख्य अतिथि को शॉल उड़ाकर बूके भेंट किया गया। इसी के दौरान पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने अपनी कविता सुनाई।
अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।